पद्मावती फिल्म को लेकर विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी कई जगहों पर इस फिल्म के खिलाफ प्रदर्शन हुए हैं, लेकिन आज पहली बार पद्मावती फिल्म में पद्मावती का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने बयान दिया है। फिल्म का विरोध करने वालों को दीपिका ने तगड़ी लताड़ लगाई है। उन्होंने कहा है कि विरोध से देश के तौर पर हम बहुत पीछे चले गए हैं। पद्मावती फिल्म को लेकर दीपिका ने कहा है कि उन्हें इस बात का गर्व है कि वो इस फिल्म का हिस्सा हैं। दीपिका ने यहां तक कह दिया है कि फिल्म का रिलीज कोई नहीं रोक सकता है, देश के तौर पर हम बहुत पीछे चले गए हैं। ये कहा है दीपिका पादुकोण ने। फिल्म में पद्मावती का किरदार दीपिका ने भी निभाया है और उनके किरदार को लेकर ही लगातार विरोध जगह जगह हो रहा है। दीपिका पादुकोण ने सीधे तौर पर कहा कि देश के तौर पर हम बहुत पीछे चले गए हैं और उन्होंने यहां तक कह दिया है कि इस फिल्म की रिलीज को कोई रोक नहीं सकता। और सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से दीपिका पर और इस फिल्म को लेकर किस तरह से निशाना साधा गया है, अब वो भी आपको दिखाते हैं। देखिए, कुल मिलाकर ये पहला मौका जब फिल्म की अभिनेत्री जो मुख्य किरदार इस फिल्म पद्मावती में निभा रही हैं, दीपिका पादुकोण, रानी पद्मावती का किरदार निभा रही हैं, उनका गुस्सा एक तरीके से फूटा है। जिस तरीके से लगातार फिल्म पद्मावती को लेकर ये विरोध प्रदर्शन जारी है और अब पलटवार किया गया है बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से। दीपिका पादुकोण हमें पिछड़ेपन को लेकर लेक्चर दे रही हैं। ये देश तभी विकास कर सकता है जब उनकी नजर में वो पीछे जा रहा हो। सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के सांसद, उन्होंने पलटवार किया है और एक तरीके से जवाब दीपिका पादुकोण को दिया है, क्योंकि इससे पहले फिल्म की अभिनेत्री दीपिका पादुकोण जिन्होंने लताड़ा उन लोगों को जो विरोध फिल्म का कर रहे हैं और कहा कि ये डराने वाला है, निसंदेह बहुत भयभीत करने वाला, हमने खुद को कैसा बना लिया है, एक राष्ट्र के तौर पर पीछे चले गए हैं हम, ये तमाम बातें दीपिका पादुकोण की तरफ से कही गई थी। आगे वो उन्होंने ये भी कहा कि हम जिसके प्रति जवाबदेह हैं वो सिर्फ सेंसर बोर्ड है, मैं जानती हूं और मेरा विश्वास है कि इस फिल्म को रिलीज से होने से कोई नहीं रोक सकता, फिल्म रिलीज होकर रहेगी। एक महिला के तौर पर मुझे गर्व है कि मैं इस फिल्म का हिस्सा हूं। इस कहानी को कहने का यही समय है। दीपिका पादुकोण जिनकी तरफ से ये बयान दिया गया है, बेहद गुस्से में दीपिका पादुकोण, और एक तरीके से उन्होंने ये संदेश साफ दिया है कि ये वक्त है बिल्कुल सही इस फिल्म की रिलीज का और एक बड़ी जंग जो लड़ी जा रही है उन लोगों की तरफ से। लेकिन किस तरीके से बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से इस मामले में पलटवार किया गया है, दीपिका पादुकोण पर सवाल उठाया गया है, ये देखिए, दीपिका पादुकोण हमें पिछड़ेपन को लेकर लेक्चर दे रही है और ये देश तभी विकास कर सकता है जब उनकी नजर में वो पीछे जा रहा हो, ये कहना है बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का। कुल मिलाकर मामला यहां से और आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ये मामला और तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि आपको बता दें फिल्म अभी रिलीज नहीं हुई है, 1 दिसंबर को फिल्म रिलीज होनी है, किसी ने फिल्म देखी नहीं है, बावजूद इसके फिल्म का जिस तरीके से विरोध हो रहा है वो भी तब जब फिल्म के निर्देशक संजय लीला भंसाली सामने आते हैं और कहते हैं कि फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपत्तिजनक हो, फिल्म में कोई प्रेम प्रसंग नहीं है खिलजी और पद्मावती के बीच, बावजूद इसके फिल्म का विरोध जबरदस्त अंदाज में। अब ये आरोप प्रत्यारोप बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी और फिल्म की मुख्य अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के बीच। चित्रा, बिल्कुल रोमाना, और ये विवाद कहां तक जाता है इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल आपको दिखाते हैं अलग अलग हिस्सों से आई वो तस्वीरें जहां पर इस फिल्म पद्मावती को लेकर विरोध प्रदर्शन का सिलसिला लगातार जारी है। एक तरफ पद्मावती ने ललकारा, यानी कि दीपिका पादुकोण ने ट्वीट कर निशाना साधा है उन लोगों के ऊपर जिन्होंने इस फिल्म का विरोध किया है। वहीं जयपुर, कोटा और मथुरा से विरोध की तस्वीरें जो सामने आई हैं वो हमको हम आपको दिखा रहे हैं। जयपुर में देखिए किस तरह से राजपूत महिलाएं सामने आई और उनकी ओर से साफ तौर से कहा गया है कि इस फिल्म को बैन किया जाए, नहीं तो उनका ये विरोध प्रदर्शन और ज्यादा आक्रामक हो सकता है। वही कोटा में भी किस तरह से तोड़फोड़ की गई, मथुरा में भी विरोध का सिलसिला लगातार जारी है और देश के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर इस फिल्म की बैन को लेकर लगातार मांग किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच दीपिका पादुकोण ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हम सेंसर बोर्ड के प्रति जवाबदेह हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि इस फिल्म को रिलीज होने से कोई नहीं रोक सकता है। रानी पद्मावती की पूरी कहानी भी हम आपको एबीपी न्यूज की टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हालांकि ये पूरा मामला इस बात को लेकर तूल पकड़ता हुआ चला गया, अलाउद्दीन खिलजी और रानी पद्मावती के बीच में प्रेम प्रसंग दिखाया गया है। इसके साथ ही जो घूमर डांस है जिसको लेकर एक तरफ जहां
फिल्म इंडस्ट्री दीपिका के साथ खड़ी है, तो वहीं दूसरी तरफ उनके कॉस्ट्यूम को लेकर और उनके डांस करने को लेकर राजपूत समाज की महिलाएं लगातार दीपिका का विरोध कर रही हैं और उस पर दीपिका ने आज जवाब दिया। तो फिलहाल एक बार फिर से रोमाना का हम रुख कर लेते हैं, आखिर इतना विवाद इस फिल्म को लेकर क्यों है? रोमाना, समझने वाली बात यह कि फिलहाल पद्मावती फिल्म का जो विरोध कर रहे हैं उन्हें दीपिका पादुकोण लताड़ तो रही हैं, लेकिन विरोध हो क्यों रहा है जरा इसकी जड़ में जाने की जरूरत है, क्योंकि देश भर में ये विरोध की आग इस फिल्म पद्मावती को लेकर जो फैलती ही चली जा रही है। दरअसल विरोध की मुख्य वजह जो है वो अलाउद्दीन खिलजी और रानी पद्मावती के बीच जिस तरीके के रिश्ते इस फिल्म में दिखाए गए हैं उसे लेकर बताई जा रही है। करणी सेना जो मुखर होकर फिल्म का विरोध कर रही है उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि गलत तरीके से यहां पर चित्रण किया गया है रानी पद्मावती का। हालांकि फिल्म के निर्देश संजय लीला भंसाली जो सामने आते हैं मीडिया के और बताते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, फिल्म के अंदर जो रानी पद्मावती हैं उनकी वीरता की ये गाथा है। हम सीधे रुक करते हैं, मेरे साथ फिल्म समीक्षक मयंक शेखर इस वक्त मौजूद हैं फोन लाइन पर। मयंक, एक तरफ विरोध जो बढ़ता जा रहा है और वहीं दीपिका पादुकोण का लताड़ना उन लोगों को जो फिल्म का विरोध कर रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं आप इस पूरे आर पार की लड़ाई को? देखिए, विरोध करना और विरोध करने से अपने का तो हमें किसी को भी हक नहीं है। सबको भी एक डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, जिसको प्रोटेस्ट करना हो वो करें। पर ये जो लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो पहली बात तो इन्होंने फिल्म देखी नहीं है, तो जिस बात पर उनकी आपत्ति है वो भी वेरीफाइबल ट्रूथ नहीं है कि वो एक बार फिल्म देख लें उसके बाद अपना कंटिन्यू करें विरोध, वो दूसरी बात है। मुझे लगता है कि वो सब भी विरोध करते रहेंगे फिल्म देखने के बाद भी, वो दूसरी बात है। पर आई थिंक सेट देना, धमकी देना, सेट पर जाके फिल्म मेकर को थप्पड़ मारना, या जो सांसद हैं उनको ये कहना कि ये फिल्म मेकर हैं, ये सिर्फ तो भाषा समझते हैं, ये जो है, ये थ्रेट जो है, ये आई डोंट थिंक किसी भी और शायद इसी वजह से मयंक शेखर आपको लगता है कि दीपिका पादुकोण जिनकी तरफ से आज बयान आया जो कह रही है हम किसी के प्रति जवाब दे नहीं है, सिर्फ सेंसर बोर्ड के प्रति जवाब दे, फिल्म रिलीज होकर रहेगी, एक तरीके से सब्र का बांध टूट रहा है उन लोगों का जो इस फिल्म के साथ जुड़े हुए हैं? जी बिल्कुल, आई थिंक हम लोग जो जुड़े भी नहीं हुए हैं उस फिल्म से, हम वो देखना चाहते हैं एज एन ऑडियंस, दर्शक की तरह हम इंजॉय करना चाहते हैं एक फिल्म को, किसी आर्टिस्ट के क्रिएटिव विजन को। बट जो पद्मावती है, जो खुद पद्मावती प्ले कर रही है, जिनको पता है कि इन्होंने कितना कितना काम किया है इस फिल्म में, कितनी मेहनत लगी होगी 2-3 साल बनने में इस फिल्म को, तो क्वाइट ऑब्वियसली उनको तो ज्यादा बुरा लगेगा ही, और अगर वो ऐसी बात कहती हैं तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। मयंक, आप समझ पा रहे हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं चाहे दीपिका पादुकोण हो या फिर खुद निर्देशक संजय लीला भंसाली, उनकी तरफ से देखिए आश्वासन ये बार बार दिया जा रहा है कि फिल्म में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। ड्रीम सीक्वेंस को लेकर सवाल उठाए गए, उन्होंने उस पर भी साफ तौर पर कहा कि ऐसी कोई ड्रीम सीक्वेंस नहीं है जिसमें कोई प्रेम प्रसंग दिखाया गया हो दीपिका पादुकोण या अलाउद्दीन खिलजी के बीच। बावजूद इसके ये विरोध थम क्यों नहीं रहा है, आपको क्या लग रहा है? अब विरोध के तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बट इस पर्टिकुलर केस में जब जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो फिल्म नहीं देखी है, इसका तो एक ही मुझे कारण दिखता है कि कहीं ना कहीं इनको पब्लिसिटी मिलती है, इनका नाम होता है, इनके नाम अखबारों में आते हैं, टेलीविजन स्टूडियोज में ये बैठकर अपने बयान देते हैं, जो शायद एक नॉर्मल जो रियल इश्यूज है समाज के उस पर उनको ज्यादा कुछ कहना अगर होता भी है तो हमें सुनाई नहीं पड़ता है। तो एक तो ऑफकोर्स पब्लिसिटी है, और दूसरा जरूर कहीं ना कहीं कोई भी संगठन जब कोई किसी बात विरोध करता है, और अगेन मैं बार बार कह रहा हूँ कि बिना देखे करता है, तो थोड़ी राजनीति भी होगी इसके पीछे। बट एट द एंड ऑफ द डे ये चाहे राजनीति हो या इनके सच में हर्ट सेंटिमेंट्स हो, बट अगर आप हेड देते हैं, धमकी देते हैं कि अगर कोई फिल्म थिएटर पर चलेगी तो हम थिएटर पर जाकर हम हमला करेंगे, तो फिर कहीं ना कहीं कानून को अपना एक रोल प्ले करना जरूरी है। बहुत अहम बात यहाँ पर जो कह रहे हैं मयंक शेखर, और देखिए इस वजह से तो सवाल उठेंगे ही ना कि कहीं ये सियासी विरोध तो कुल मिलाकर नहीं हो रहा है, क्योंकि फिल्म में है क्या ये किसी को नहीं पता, फिल्म किसी ने देखी नहीं है, अभी सिर्फ और सिर्फ जो प्रोमोज आए हैं, जो टीजर्स आए हैं, ट्रेलर्स आए हैं, उन्हीं को देखा जा रहा है और उन्हीं से एक राय बनाई जा रही है, बावजूद इसके कि फिल्म के जो निर्देशक है वो साफ कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वापस स्टूडियो का रुख करते हैं, और कोटा से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। आपको लगा दें विरोध प्रदर्शन का सिलसिला लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है, और देखिए किस तरह से जो विरोधी हैं, जो इस फिल्म का लगातार विरोध कर रहे हैं, वो तोड़फोड़ पर
उतारू हो गए हैं। ये कोटा की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां एक तरफ पुतला जलाया जा रहा है तो वहीं तोड़फोड़ भी की जा रही है। और राजपूत महिलाओं ने जयपुर में तो यहां तक कह दिया है कि अगर इस फिल्म को बैन नहीं किया जाएगा तो उनका आंदोलन और उग्र हो सकता है। अब फिल्म रिलीज होगी या फिर नहीं, सेंसर बोर्ड को यह तय करना है कौन से हिस्से पर कैंची चलाई जाए या फिर नहीं, सेंसर बोर्ड यह डिसाइड करता है। और शायद यही वजह है कि दीपिका पादुकोण ने आज अपनी भड़ास निकाली है ट्विटर पर। उन्होंने कहा है कि हम सिर्फ सेंसर बोर्ड के प्रति ही जवाबदेह हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि ये फिल्म रिलीज होकर रहेगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ा है कि एक देश के तौर पर हम बहुत पीछे चले गए हैं। हालांकि उनके इस ट्वीट को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने दीपिका पर पलटवार किया। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।